रोहतक के सांपला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 2024 के चुनाव को जीतने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को गुड़ दिए। कहा कि चाहे लोकसभा सीट हो या फिर विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के लोग फर्जी व बोगस वोट डलवाकर जीत हासिल करते हैं, इसलिए अगर इनकी बोगस पोलिंग को रोक दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर गढ़ी सांपला किलोई से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार होगी और यहां से भाजपा का प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को रणनीति बनानी पड़ेगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर 2019 के चुनाव में बोगस पोलिंग रुक जाती तो वह दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लगभग 2 लाख वोटों से हराते और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। सतीश नांदल जी कह रहे थे कि भी कलोई का जो है गढ़ी सांपला कलोई का चुनाव आसान है, मुश्किल है और भाई जीतना और ना जीतने में कोई फर्क नहीं। ये चुनाव भी एक अटकल भी है। चुनाव को हम क्या करते हैं, जब चुनाव आता है तभी हम जोर शोर से लगते हैं उसको जीतने के लिए। हमें चुनाव से पहले की तैयारी, जो आज की जो तैयारी है ये पन्ना प्रमुख की तैयारी, ये चुनाव से पहले की तैयारी है। और इससे भी बड़ी तैयारी मैं सतीश नांदल जी को कहूंगा कि 100% मैं जो आपको बताता हूं आप वो तैयारी कर लो। आप याद करोगे कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा था अगर आप गढ़ी सांपला करौली से अगर अगली बार एमएलए ना बन जाओ तो मुझे कह देना। अब तैयारी करो। तैयारी कैसे करनी है, ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो बना है उसमें जी जान की बाजी लगा करके आज से ये समझना है कि अगले महीने चुनाव है। दूसरी चीज, जो बूथों पर जो रहेंगे एजेंट उनको तगड़ा होना है, उनको एजेंटों को तगड़ा। और एक जो सबसे बड़ी चीज है, रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र की बता रहा हूं, कड़ी सांपला करौली की, इनको ठिकाने पता है, बोगस वोट डलवाने के ठिकाने। कांग्रेस को ठिकाने आते हैं, आपको वो ठिकाने नहीं पता है।